हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पावर। दोस्तों, एस्पिरेंट्स पावर में आपका स्वागत है। बहुत टाइम के बाद, बहुत इंतजार के बाद हमने वेट किया, उसके बाद एसबीआई क्लर्क प्री का जो 2019 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आप इसका रिजल्ट जरूर चेक कर लें। यूपी की कट ऑफ भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कितने मार्क्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैंने जो अप्लाई किया था वो यूपी से किया था, जनरल कैटेगरी से। तो यूपी की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, कैटेगरी वाइज के कितनी कट ऑफ गई है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, लेकिन इतनी कट ऑफ हाई नहीं गई है, कट ऑफ ठीक ही गई है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कट ऑफ। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्री एग्जामिनेशन हेल्ड इन जून 2019 उसका ये रिजल्ट है। और ये मैंने एक इमेज कैप्चर की है लैपटॉप से, तो आप देख सकते हैं मार्क्स सिक्योर बाय द कैंडिडेट इन फेज़ वन में कितने मार्क्स सिक्योर किए गए इसके लिए। अगर आप मेरी कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पर जनरल है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जो स्टेट अप्लाइड यहाँ पर थोड़ा कट गया है, तो स्टेट अप्लाइड वो है उत्तर प्रदेश। मैंने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया है। यहाँ पे मेरे मार्क्स आए 81.75 और मैंने अटैम्प्ट किए थे 85 के आसपास। मैंने अटैम्प्ट किए थे, आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स जो कम हुए हैं, 81.75 मेरे मार्क्स आए हैं। अगर हम मैं देखें तो टोटल मार्क्स जो इसके थे वो 100 थे। यहाँ पर मेरा आप नाम देख सकते हैं, नेम। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यूपी से कितनी कट ऑफ गई है। आप एससी के लिए देखें तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, इसको आपको दिखाई दे रहा होगा। एससी के लिए कट ऑफ गई है 58.75 और एसटी के लिए गई है 42, ओबीसी के लिए 70। अब यहां पे देखने वाली बात है कि बहुत सा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसकी कट ऑफ 80 के आसपास जाएगी, क्योंकि SVPO की कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी। लेकिन क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, तो हो सकता है आपके स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा गई हो, लेकिन यूपी की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। OBC की जो कट ऑफ है वो 70.25, जो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं था। EWS की कट ऑफ जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 72.25 और जनरल की कट ऑफ भी 72.25 जनरल की कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं EWS और जनरल में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने क्वालिफाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेसन किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए। और दोस्तों आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि आप कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेंस के लिए, वो भी आज ही आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।